गाइस वेलकम टू डायनामाइट गेमर्स। न्यू इवेंट आया है पैच क्विज, जिसमें आपको AN94 की गन स्किन मिलेगी, तो तीन कैरेक्टर्स मिलेंगी और देखते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट पैच डे, अगला पैच डे कब है। तो गाइस 25 फरवरी को आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर 25 फरवरी होगा और आप सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको ये कैरेक्टर चाहिए हैं तो पूरा वीडियो देखिए। हु इज़ द न्यूएस्ट कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है पैच डे के लिए, वो स्टेफी है गाइस, तो पीछे बनी भी थी। एंड थर्ड क्वेश्चन अगर बात करते हैं, विच ऑफ दीज गुड बफ AN94 गेटिंग, AN94 में क्या ऐसा है जो पैच डे पे होने वाला है। तो गाइज रिड्यूस रेट ऑफ फायर नहीं होने वाला क्योंकि बढ़ने वाला है और इसकी रेंज ही बढ़ाई जाने वाली है AN94 की। तो हम चलेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ये थोड़ा टफ था क्योंकि इतना बंदे ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमने पैच नोट पढ़ा हुआ। अब यहाँ पे है विच ऑफ दीज वेपन्स विल बी न्यू एडवांस अटैचमेंट, जिनमें एडवांस अटैचमेंट ग्रेनेड में कुछ लगता नहीं, पैन में कुछ लगेगा नहीं, लैंडमाइन में कुछ लगता नहीं। तो हमारी ऑम है जिसमें कि एक नया अटैचमेंट लगेगा, और इसके बाद ग्रेफिटी करके वो। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैप, जो मैप आ रहा है न्यू, तो भाई कालाहारी आ रहा है, एंड हमें बड़ा अफसोस है कि परगेटरी शायद रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये देखिए पाँचों के पाँचों मेरे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोग भी ये आंसर देखे तीन कैरेट्स ले सकते हैं। और जल्दीबाजी मत करिएगा, वीडियो देख के तभी जाइएगा, तभी आंसर दीजिएगा। एंड गाइस आपसे बातें करता हूं कि इस गन की क्या खासियत है या क्या है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो एंड शेयर करना मत भूलना वीडियो, पांचों के पांचों करेक्ट आंसर आपको बताएं। तो चलिए देखते हैं इस गन में क्या है और इसकी कैरेट्स अगर हम खोलेंगे तो क्या हमको परमानेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिलहाल जो न्यू बंदे हैं, अभी रिसेंटली मेरी मैनिया के MP40 निकली है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट फिर भी चलिए ट्राई करते हैं अपना लक। और मुझे तो परमानेंट नहीं मिली है गाइस, फिलहाल कोई बात नहीं, क्या आपका लक तेज हो। और ये AN94 की स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो आप भी ट्राई करना है, पाँचों सही आंसर देना, मैंने आप तक आंसर पहुँचाए हैं। तो बात करते हैं कि इस AN94 में क्या है, कि हाई है या लो है। तो फिलहाल यार परगेटरी के लिए बुरा लग रहा है कि शायद हटा दिया जाएगा, ऐसा सब कह रहे हैं फिलहाल। आई डोंट फकिंग गिव अ डैम, तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो भी होगा देखा जाएगा। कालाहारी में पहलेंगे यार, जैसे परगेटरी में पहलते थे वैसे कालाहारी में पहलेंगे। तो गाइस अब चलते हैं AN94 की स्किन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या क्या बड़ा है और क्या क्या घटा है। तो फिलहाल क्योंकि पैच नोट पे ऑलरेडी उसकी रेंज बढ़ने वाली है, तो इस वाले में शायद इसकी रेंज हाँ कम कर दी गई है 10%, मतलब। और अगर इसकी हम बात करें क्या क्या बढ़ाया है, तो डैमेज डबल बढ़ा है, 20% का डैमेज इन्होंने बढ़ाया है, लुक थोड़ा फायरी टाइप का है, अच्छा है। एंड इन्होंने इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई है 10%, तो कहीं ना कहीं रेंज जो बढ़ेगी भाई पैच डे पे अगर कम हो जाएगी तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। AN94 अच्छी चलने वाली है, तो यार मैंने तो मतलब ट्राई किया है एंड आंसर सही दिए हैं, बस कैरेट्स में लग साथ नहीं दिया है। तो आप भी फटाक से जाके पांचों आंसर देना, ये वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर करना एंड आके कमेंट में बताना जरूर कि परमानेंट निकली या नहीं निकली। तो जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी जरूर बताना कि आपकी परमानेंट निकली या नहीं निकली। और मैं रात में वीडियो बना के दे रहा हूँ एंड अब से इवेंट की अपडेट्स आती रहेगी इस चैनल पे, तो जिसको भी इवेंट्स वगैरह की अपडेट्स जाननी है वो डायनामाइट गेमर्स को सब्सक्राइब कर ले। और जिसको अपनी अनबॉक्सिंग करानी होगी वो क्या करेगा, साका डायनामाइट वाला चैनल सब्सक्राइब करेगा, उसमें हम अनबॉक्सिंग एंड कलेक्शन वगैरह की वीडियो वगैरह टाइम टू टाइम देंगे एंड मॉन्टेजेस के भी, यहाँ पे आपको इवेंट रिलेटेड मिलेंगे। ओके, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड जिसको गिल्ड ज्वाइन करनी हो गिल्ड ज्वाइन कर लेना और फैमिली का हिस्सा बनते जाओ, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाओ। मैंने देखा कि हाँ मुझे इवेंट के बारे में बताना चाहिए एंड हेल्पफुल वीडियो होगा उम्मीद करता हूं आप लोगों का, तो पॉजिटिव कमेंट्स देखने चाहिए एंड प्यार देखना चाहिए आप लोगों का। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बी डायनामाइट, बी बुया, आग लगा दो, फालतू बोलने का कोई फायदा है नहीं। बाकी ये सब इवेंट चल रहे हैं आपको पता है, यहां से आपको रैंक खेलने हैं तो उससे आप XM8 की एक्सचेंज कर सकते हो, N94 की एक्सचेंज कर सकते हो। और बाकी टॉप अप वाला था 50% आया, तो इसका कुछ है नहीं। हाँ लेजेंडरी गन कैरेट्स पे 50% आया, ये काम का है, तो आप लोग कर लेना, मैंने इससे परमानेंट निकाली। बाय बाय, बी डायनामाइट, बी बुया, आग लगा दो, बोले तो कहते जय, इसी वीडियो में कहर।